गाइस, वेलकम टू वीएस व्लॉग्स एंड टेक। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा बोट रग्बी के बारे में। इसको मैंने एक साल यूज़ कर लिया है। 15 अक्टूबर 2019 में मैंने ये मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो मैं आज आपको इसकी कोई अनबॉक्सिंग वगैरह या कुछ भी नहीं दिखाऊँगा, केवल ये बताऊँगा कि मेरे को एक साल बाद यूज़ करने के बाद कैसा लगा, क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं और इसमें क्या बुराइयाँ हैं। सबसे पहले मैं इसकी मेन बात करता हूँ कि इसमें मेरे को बैटरी कैसे देखने को मिली। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसमें 1800 mAh की बैटरी है और 2 घंटे आप इसको चार्ज करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने इसको 2 घंटे जब चार्ज करता हूँ तो मैं इसको 40 से 45 मिनट डेली यूज़ करता हूँ, तो ये मेरा 2 से 3 हफ्ते आराम से चल जाता है। कोई इशू नहीं लगा मुझे इसमें बैटरी के हिसाब से। बाकी ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। 2.0 दिया गया है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कोई इशू मेरे को नज़र नहीं आया कनेक्टिविटी के हिसाब से। मैं इसको जैसे ऑन करके दिखाता हूँ तो इसमें ब्लू लाइट जलेगी। जैसे अब मैंने इसकी पावर ऑन करी तो इसमें ब्लू लाइट जल रही है। और ये भी इसमें मेरे को चीज़ अच्छी लगी कि ये पूरा वाटरप्रूफ है IPX5 की रेटिंग के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशंस में दिया गया है। हमें यहाँ छोटा सा माइक भी दिया गया है जिससे हम कॉलिंग्स अटेंड भी कर सकते हैं और आराम से फ़ोन वगैरह दूर रख के और स्पीकर पर ही हम बात कर सकते हैं किसी से भी। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इसमें। बाकी इसकी आवाज़ के बारे में बात करें तो आवाज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। बास वगैरह इसमें काफ़ी सही दिया गया है, तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, करके दिखाता हूँ। इसमें स्पीड देखना आप कितनी तेज़ कनेक्ट होता है ये। Pairing successful. जैसे देखा आपने, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। पेयरिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा। आपको ये लेना है स्पीकर तो ये फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे सेल में चल रहा होता है। मैंने जब मंगाया था तो ये 1000 रुपये का मुझे मिला था, 999 रुपीज़ का, और प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही लगा मुझे ये। और जब नॉर्मल चल रहा होता है फ्लिपकार्ट पे प्राइस वगैरह इसका जो रेंज करता है 1000 से 1500 के बीच में, 1200-1300 तक का आप मंगाएंगे तो काफ़ी सही रहेगा, उस हिसाब से भी वर्थ है। लेकिन 1500-1600 के हिसाब से इतना ज़्यादा भी वर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज़ देखी है कि ये जो बटन्स दिए गए हैं ये काफ़ी हार्ड हैं और मतलब आपको दिक्कत आएगी थोड़ी इनको प्रेस करने में। आवाज़ जैसे बहुत तेज़ है तो स्लो करोगे तो इसको तेज़ तेज़ दबाना पड़ेगा। बाकी एज सच मुझे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं लगी, काफ़ी सही लगा मुझे। ऐसे कुछ नीचे से है, ये मेड इन चाइना है। जैसे कि मैंने अभी इसको नॉर्मल चार्जिंग पर लगाया है और इसमें रेड लाइट जल रही है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लू लाइट जलेगी। और काफ़ी बल्कि सा नहीं है ये, मतलब आपको इसका वेट जो होगा मेरे हिसाब से 500 से 800 ग्राम के बीच में होगा। काफ़ी सही है, मतलब कहीं पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना, अगर कोई भी क्वेरी हो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।